हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 52 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी टीआरडी 3 का एग्जाम डेट निश्चित हो गया है 27, 28, 29, 30 जून के प्रथम पाली में, और अब आपके पास टाइम नहीं है, आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस में लग जाइए और पूरे शिद्दत के साथ दोस्तों, चाहे सीट कितना भी हो और जो भी होगा, फिर अगले जो टीआरडी 4 में होगा ज़्यादा सीट आने की संभावना है, और अपना इस एग्जाम को पूरे मन से दीजिए। परिणाम जो भी होगा अपना पूरा 100% दीजिए। एंड दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सही प्रकार की वीडियो अवेलेबल है, चाहे थ्योरी सेशन हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में शरीर के किस अंग में चोट अधिक लगती है? तो इसमें टखने में, पैर के टखने में सबसे ज्यादा चोट लगती है फुटबॉल में। नेक्स्ट है, कम से कम समय में अपनी दशा और दिशा प्रभावित रूप से बदलना कौन सी क्षमता कहलाता है? तो आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे दोस्तों। तो ये है, इसको फ्लैक्स एजिलिटी यानी चपलता कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उस पर से कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका भी सही आंसर आपने टिक कर दिया होगा दोस्तों। तो किसी भी प्रतिरोध यानी बाधा के विरुद्ध आप उस पर से ओवरकम कर रहे हैं, तो उसको स्ट्रेंथ यानी ताकत कहा जाता है। जो तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी अधिकतम ताकत, एंड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ विस्फोटक शक्ति, एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस शक्ति सहनशीलता। नेक्स्ट है, लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी किस खिलाड़ी के लिए मूर्त रूप में आवश्यक होती है? वैसे तो सब गेम के लिए फ्लेक्सिबिलिटी आवश्यक होता है, बट यहाँ पे जिम्नास्टिक में जो है, ये सामने सामने आपको दिखता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, सहनशीलता यानी एंड्योरेंस को विकसित करने वाली विधि का नाम बताइए, जिसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे अंतराल यानी इंटरवल ट्रेनिंग भी सहनशीलता को डेवलप करता है, बट यहाँ स्पीड प्ले बोला है, इसलिए यहाँ पे फॉर्टलेक होगा। फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड की खोज 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था एंड्योरेंस डेवलप करना। और जो फॉर्टलेक शब्द है, ये स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी स्पीड प्ले। यह बिना पूर्व नियोजित तरीके से, नॉट प्रॉपर प्लानिंग तरीके से किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कंपटीशन विधि वह विधि होती है जिसमें प्रतियोगी क्या करता है? कंपटीशन विधि है यानी कई प्रतियोगिता में भाग लेता है। ठीक है, तो प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, जैसे कि एंड्योरेंस को डेवलप करने की विधि में कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड होता है। नेक्स्ट है, किसी अभ्यास के बिना ऑक्सीजन ग्रहण किए क्रिया करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह बिना ऑक्सीजन के क्रिया करना वो कहलाता है अनएरोबिक एक्टिविटी। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया होती है उसको एरोबिक कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों, अनएरोबिक जो होता है वो तीन प्रकार का होता है अनएरोबिक व्यायाम, जैसे कि लघु, मध्यम और दीर्घ। जो लघु अनएरोबिक होता है वो 25 सेकेंड तक का या 25 सेकेंड से कम का व्यायाम होता है। जो मध्यम अनएरोबिक होता है वो 25 से 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक का होता है। जो दीर्घ होता है वो 60 से 120 सेकेंड यानी 2 मिनट तक का होता है। तो याद रखिएगा, 2 मिनट से ज़्यादा जो भी क्रियाएं होंगी वो एरोबिक यानी एंड्योरेंस में काउंट हो जाएंगे। और जो एरोबिक होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया होता है, जिसमें दो तीन प्रकार का होता है, लघु, मध्यम, दीर्घ एरोबिक व्यायाम। और लघु एरोबिक में 2 से 8 मिनट, मध्यम में 8 से 30 मिनट एंड दीर्घ में 60 मिनट से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो आप सबको पता है, लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी को मापा जाता है।
नेक्स्ट है खेल से पहले खिलाड़ी को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप सबको पता है कि खेल से पहले हम वार्म अप करते हैं, अपनी बॉडी को गर्माते हैं, जिससे बॉडी में रक्त संचार अच्छा से बढ़ता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसे चोट कम लगती है। तो यहाँ पे वार्मिंग अप हो जाएगा। और खेल के पश्चात या एक्टिविटी के पश्चात क्या किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है। नेक्स्ट है अच्छा लचीलापन किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अच्छा लचीलापन हमारे ज्वाइंट पर निर्भर करता है, जोड़ों पर निर्भर करता है। ज्वाइंट की मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो लचीलापन अच्छा होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। तो दोस्तों हमारा जो कान है वही बनाए रखता है, यानी कि हमारे कान का दो कार्य होता है, एक श्रवण करना यानी सुनना और दूसरा हमारे शरीर का संतुलन बनाना। कान के अंदर जो है आंतरिक भाग में एंडोलिम्फ नाम का द्रव है जो शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुश्ती का खिलाड़ी अपने शरीर को नीचे झुकाकर किस यांत्रिकी के कारक का लाभ लेता है। तो दोस्तों कुश्ती का खिलाड़ी अपने शरीर को नीचे झुकाता है तो किस यांत्रिकी का लाभ ले रहा है वो, तो आप सबको पता है जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वह केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण का वो लाभ लेता है, सेंटर ग्रेविटी पॉइंट का, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जड़त्व शुरुआत के नियम कौन से हैं। तो दोस्तों जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसका सिद्धांत है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक विरामावस्था में है, एक गति अवस्था में है, तो इसके दो क्रियाएं काम कर रहा है, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आराम का जड़त्व एंड गति का जड़त्व, क ख दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क ख दोनों, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट दोस्तों न्यूटन ने कितने नियम दिए हैं। तो आप सबको पता है न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए हैं, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम एंड क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और न्यूटन जो है वह इंग्लैंड के महान दार्शनिक व गणितज्ञ थे, और इन्होंने गति के तीन नियमों का जो प्रकाशन है 1687 ईस्वी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में किया है, ये भी याद रखिएगा। तो इन्होंने तीन नियम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है। तो आप सबको पता है न्यूटन का ये पहला नियम है जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कितने प्रकार के तल हैं यानी प्लेन। तो दोस्तों मानव शरीर में तीन एक्सिस एंड तीन प्लेन होते हैं। तीन प्लेन कौन कौन से होते हैं यानी तल, यानी एक्सिस और तल होता क्या है। एक्सिस वह होता है जो एक काल्पनिक रेखा होता है जिसकी चारों ओर गति होती है, लेकिन तल यानी प्लेन क्या होता है, वह सतह जो अक्ष यानी एक्सिस के लंबवत पाया जाता है, जिसे शरीर में गति होती है। टाइप्स ऑफ प्लेन यानी कि जो तल होता है तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, सेजिटल, फ्रंटल एंड हॉरिजॉन्टल। सेजिटल प्लेन जो होता है लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहा जाता है। सेजिटल प्लेन जो है शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है एंड गति जो है आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट। और दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जो इसे क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहा जाता है। और फ्रंटल प्लेन जो है शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है और गति जो है दाएं बाएं होती है, जैसे एब्डक्शन एडक्शन मोमेंट। एंड तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहा जाता है, और इसको सुपीरियर इन्फीरियर प्लेन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है, गति जो है इसमें सभी प्रकार के रोटेशन और इलेवेशन मोमेंट्स होते हैं। तो मानव शरीर में तल और एक्सिस प्लेन दोनों तीन प्रकार के होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स निम्न में
से कौन प्रदान करता है? तो फोर्स मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाह्य आंतरिक। बाह्य फोर्स में जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, हवा का प्रतिरोध, ये सभी बाह्य बल हैं। आंतरिक बल में हमारा मांसपेशीय बल होता है। तो यहाँ पे बाह्य बल कौन है? घर्षण यानी फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा है? तो आप सबको पता है पहला नियम जड़त्व का नियम, और दूसरा नियम कौन सा नियम है? संवेग का नियम, जिसे त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम आदि नामों से जाना जाता है। सभी नामों को आप याद रखिएगा, तो यहाँ पे त्वरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों तीसरा नियम क्या है न्यूटन का? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जिस प्रकार का आप एक्शन करेंगे आपके पास रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया भी उसी प्रकार का होगा। यानी इसको काउंटर फोर्स लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन भी कहा जाता है। यानी प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु हम पर भी लगाती है। तो पहले बल को क्रिया, दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। तो जैसे दोस्तों तैराक द्वारा पानी में आगे बढ़ना, वॉकिंग यानी पैदल चलना, बंदूक चलने पर पीछे गिर जाना, गेंदों का ड्रिबलिंग करना, बाल को दीवार पर फेंकना, ऊंची कूद में खिलाड़ी द्वारा नम सतह की जगह ठोस सतह का चयन करना, ये सभी न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दोस्तों अभिकेंद्रक, अपकेंद्रक, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। अभिकेंद्रक यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? कि केंद्र की तरफ लगने वाला बल होता है। अपकेंद्रक यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम के विपरीत स्थिति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विराम की विपरीत स्थिति को गति यानी मोशन कहा जाता है। याद रखिएगा, स्पीड नहीं मोशन, ठीक है? स्पीड एंड मोशन दोनों रहेगा तो आप मोशन पे हमेशा लगाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट है, हैंडबॉल के खेल में बॉल को सीधे अपने खिलाड़ी के पास फेंकने के लिए न्यूटन के किस नियम का मुख्य रूप से प्रयोग किया जा रहा है? दोस्तों तो गति की दिशा में बॉल जा रहा है दूसरे नियम में, यानी कि किसी वस्तु के एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की दर का उस वस्तु पर लगाए गए बल के प्रतिफल का अनुपात ही त्वरण यानी कि कहलाता है। यानी कि जब असंतुलित बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसमें संवेग उत्पन्न होता है। तो जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वो खिलाड़ी के पास जाता है, वहाँ पर द्वितीय नियम का प्रयोग होगा, ठीक है? अगर वापस आता हमारे पास तो तृतीय नियम हो जाता। तो यहाँ पर कौन सा नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा? न्यूटन का द्वितीय नियम, याद रखिएगा, दिमाग से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है, संवेग यानी मोमेंटम का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह द्वितीय नियम है। सभी उपनामों को भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है। न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम, त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम आदि नामों से, परिणामी बल का नियम आदि नामों से जाना जाता है। इसलिए ऐसा TI-2 में पूछा हुआ था, इसलिए आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर को बल प्रदान करता है, तो कौन बल प्रदान करता है? दोस्तों जब भी स्ट्रेंथ की बात आए तो शरीर को बल प्रदान करता है तो मांसपेशी यानी मसल्स जो है आपका स्ट्रांग रहेंगे, तो आप में शक्ति ज्यादा होगी। यहाँ पे मसल्स आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंतिम वेग को निम्न में से किससे अंकित किया जाता है? तो इसको वी से अंकित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, डाइविंग प्रतियोगिता में स्प्रिंग बोर्ड से ड्राइव लेने के बाद खिलाड़ी नीचे क्यों आता है? तो दोस्तों क्यों आता है? यह भी आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। नेक्स्ट है, दूरी बट्टा समय किसका सूत्र है? तो आप सबको पता है, बचपन से आप इसको रटते आ रहे हैं, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। नेक्स्ट है, समुद्र तल से 2000 फीट ऊंचे मैदान पर निम्न में से किस दौड़ में धावक के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो एंड्योरेंस वाले क्रियाओं में ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो
तो नकारात्मक प्रभाव किस में पड़ेगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन का दबाव बढ़ता जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो यहाँ पे 5000 मीटर दौड़ में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलअप्स अभ्यास में शरीर के किस अंग को ताकत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों पुलअप यानी कि आप लटक करके पुलअप्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे हाथों की यानी कि बांह की शक्ति को ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मजबूत रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाथ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्पर्धा में अत्यधिक चाल की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों स्पीड वाले हैं 100, 200, 400 मीटर दौड़, यहाँ पे 200 मीटर का दौड़ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर फुटबॉल की एक टीम 5 मैचों में क्रमशः गोल करती है, पहले में 2, दूसरे में 0, तीसरे में 4 और चौथे में 5 और पांचवा में 1, तो इनका औसत क्या होगा। तो आप इसका औसत जो है 2 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या है। तो आप सबको पता है यहाँ पे नियम है कि उपकरण है कि तकनीक है कि जोड़ों की गति है, तो आप जी ऑप्शन रखा है, तो यहाँ पे जोड़ों की गति आपका राइट आंसर होगा। फ्लेक्शन में कोर कम होता है, एक्सटेंशन में कोर बढ़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक व्यक्ति किस शारीरिक क्षमता के कारण हाफ मैराथन की दौड़ पूरा कर लेता है। दोस्तों जिसमें सहनशीलता होगा, आप समझ रहे हैं एरोबिक और अनएरोबिक क्रियाओं में, 2 मिनट तक की क्रियाएं अनएरोबिक होगी, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए और शक्ति ज्यादा होना चाहिए, और 2 मिनट से ज्यादा जो भी एरोबिक क्रियाएं हैं उसमें सहनशीलता यानी एंड्योरेंस ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैराथन दौड़ की बात कर दिया, तो यहाँ पे सहनशीलता यानी एंड्योरेंस आपका राइट आंसर होगा। आप बेसिक चीज बहुत समझिएगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंबल अभ्यास में एक्सटेंशन गति के दौरान कौन सी मुख्य क्रिया मुख्य मांसपेशी संकुचित होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए, जब आप डंबल अभ्यास कर रहे हैं तो उस समय एक्सटेंशन गति के दौरान कौन सी मुख्य मांसपेशी संकुचित होगी। तो दोस्तों जब डंबल अभ्यास करते हैं, जब ऊपर की तरफ लाते हैं डंबल्स को, तो फ्लेक्शन मोमेंट होता है, उस कंडीशन में हमारा बाइसेप्स मसल्स मुख्य भूमिका अदा करती है, मुख्य रूप से संकुचित होती है। लेकिन जब हम नीचे की तरफ लाते हैं तो एक्सटेंशन मोमेंट होता है, फैलता है, तो उस कंडीशन में हमारा बाइसेप्स के पीछे ट्राइसेप्स मसल्स मुख्य रूप से संकुचित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइसेप्स मसल्स। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइरोमीटर श्वसन क्षमता यानी कि फेफड़ों की क्षमता मापता है, डायनेमोमीटर स्ट्रेंथ यानी ताकत मापता है, यहाँ पे स्टेडियोमीटर जो है आपके शरीर की ऊंचाई या लंबाई मापता है। नेक्स्ट है, 100 मीटर का धावक निम्न में से किस प्रकार के जूते पहनता है। तो दोस्तों उसमें स्पाइक्स लगे होते हैं, कील लगे होते हैं, जिसे घर्षण बना रहे स्पाइक्स वाले जूते पहनता है, ठीक है याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की मांसपेशियों को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा अभ्यास लाभदायक होता है। दोस्तों तो यहाँ पे आपने सही देखा होगा, दौड़ स्पीड बढ़ाता है, पुलअप्स जो है हमारे बांह की, पुशअप भी बांह की स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करता है, जबकि सिटअप्स जो है हमारे पेट की मांसपेशियों को शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाता है। दोस्तों पुलअप्स हो गया, पार्टियल कर्ल अप हो गया, ठीक है, और घुटना मोड़ कर सिटअप हो गया, घुटना फैला कर सिटअप हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए जो विधियां या साधन अपनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों उसको एर्गोजेनिक एड्स कहा जाता है, ये कई प्रकार के होते हैं, मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, आप स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले वीडियो में जाइए और एर्गोजेनिक एड्स के बारे में जानिए। नेक्स्ट है, RICE में R से क्या तात्पर्य है। दोस्तों प्राथमिक उपचार में जो पद्धति प्रयोग किया जाता है, RICE पद्धति प्रयोग किया जाता है, जिसे थंब रूल भी कहा जाता है, और इसमें R से तात्पर्य होता है रेस्ट, I से तात्पर्य होता है आइस यानी बर्फ का प्रयोग करना, C से कंप्रेशन यानी दबाव डालना, E से इलिवेशन यानी कि हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। तो यहाँ पे R से तात्पर्य पूछा है, तो R से तात्पर्य हो जाएगा रेस्ट यानी आराम देना। नेक्स्ट है, मोच खिलाड़ी को कहाँ आती है। मोच यानी कि स्प्रेन की बात कर रहा है, तो स्प्रेन और स्ट्रेन में हमेशा कन्फ्यूजन होता है,
स्ट्रेन यानी खिंचाव, जो मांसपेशी और टेंडन में चोट लगती है अत्यधिक खिंच जाने से, तो उसको स्ट्रेन यानी कि खिंचाव कहते हैं। और मोच यानी स्प्रेन जो होता है, जो लिगामेंट के अत्यधिक खिंच जाने से होता है, तो लिगामेंट क्या करता है, दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है। जब दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है तो वहाँ पे जब खिंचाव या अत्यधिक जोड़ हो जाती है, उसे हम मोच यानी स्प्रेन कहते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, न तो लिगामेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो जोड़ों पर जाएंगे, ठीक है। तो जोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में अगर किसी क्षेत्र रक्षक को गेंद पैर में जोर से लग जाए और गुम्बड़ हो जाए, इसे कॉन्ट्यूजन भी कहते हैं, गुम चोट भी कहते हैं, तो प्राथमिक उपचार के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में प्राथमिक उपचार के लिए हमेशा बर्फ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्रायोथेरेपी का, ठंडी चिकित्सा को क्रायोथेरेपी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक यानी मोड किसका माप है। तो दोस्तों, मीन मिनियल मोड ये सभी आपके केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी का अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, मीन यानी कि माध्य के संबंध में क्या सही है। तो दोस्तों, यह जो माध्य होता है मीन, ये सबसे विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, सेंट्रल टेंडेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के दो टीमों के एक वर्ष के परिणामों के मध्य संबंध निकालने के लिए किस सांख्यिकी का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, संबंध निकालना है तो हमेशा कोरिलेशन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, सहसंबंध निकाला जाएगा, कोरिलेशन विधि का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, पांच टीमों की स्कोर का औसत निकालने के लिए किस सांख्यिकी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे पांच टीमों के मध्य औसत निकालना है, संबंध निकालना है तो कोरिलेशन, अगर औसत निकालना है तो मीन यानी कि माध्य का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप किससे दर्शाया जाता है। सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव पूर्ण धनात्मक ऑप्शन नंबर ग एक से प्रदर्शित किया जाएगा, और नेगेटिव रहेगा तो -1 का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च आवृत्ति वाले प्राप्तांक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जिसकी आवृत्ति यानी बार बार आता है, उसे हम बहुलक यानी मोड कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता में भाले को फेंकने के लिए शरीर को बल कौन देता है। तो दोस्तों, भाला फेंक रहे हैं तो हमारी जो मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, वह बल देता है, आंतरिक बल यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट है, चोट लगने के पश्चात जो बर्फ का प्रयोग किया जाता है, वह किस थेरेपी यानी विधि के अंतर्गत आती है। दोस्तों, ठंडी चिकित्सा यानी बर्फ चिकित्सा को क्रायोथेरेपी बोला जाता है, एंड हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा को बोला जाता है, एडिपस थेरेपी जो है विद्युत चिकित्सा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, एक गज में कितने मीटर होते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो 0.914 मीटर में एक गज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से लटक कर करने वाला अभ्यास कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पुशअप आप जमीन पर करते हैं, सिटअप पीठ के बल लेट के करते हैं, या पुलअप्स जो है ऊपर एक बार लगा करके लटक करके आप ऊपर नीचे करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पुलअप। नेक्स्ट, डोपिंग के अंतर्गत क्या आता है। दोस्तों, वसा, हीम, आयरन, ग्लूकोज, ये सब डोपिंग के अंतर्गत नहीं आएंगे। यहाँ पे ड्यूरेटिक्स यानी कि जो हम खिलाड़ी जो है प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो गलत तरीके से यूज करते हैं, उसे डोपिंग के अंतर्गत रखा जाता है, यहाँ पे ड्यूरेटिक्स होगा। और ड्यूरेटिक्स क्या करता है, ये वेट रिड्यूसिंग ड्रग है, यानी भार को कम करता है, और यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पेशाब बनाता है और पानी मूत्र के रास्ते बाहर आ जाता है। और भार से जुड़े खिलाड़ी जैसे कि रेसलिंग एंड बॉक्सिंग वाले, जूडो वाले, ये ज़्यादा कबड्डी वाले इसको खिलाड़ी ज़्यादा यूज करते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है एर्गोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉइड के साथ या उसके बाद प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पेशी के कट्स यानी लुक्स दिखाई दे सके। और इसका प्रयोग जो है ड्यूरेटिक्स का
तीन चीज़ों के लिए किया जाता है, एक तो भार को कम करने के लिए, दूसरा डोपिंग को छुपाने के लिए क्योंकि इसके सेवन से यह नहीं पता चल पाता है कि खिलाड़ी ने कौन सा रसायन लिया है, तीसरा महिलाओं के मासिक धर्म के समय को परिवर्तित करने के लिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, अरस्तु का संबंध किससे है? तो दोस्तों अरस्तु का संबंध जो है गति विज्ञान यानी कि एसियोलॉजी के पिता कहे जाते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में 52 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराया, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, हम सब मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके, और आपके पास अब टाइम बहुत कम है, डेली बेसिस प्रैक्टिस जरूर कीजिए और अपनी कमियों को ढूंढिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।